शिवाले और ये रानी जी जो हिम्मत पर से आई हुई है जो हमें नोटों के हर से सम्मानित कर रही है इधर वो रुक्मिणी रो रही है और विचार कर रही है हे श्याम कि अगर तुम नहीं आए तो हम सुसवाल के साथ शादी नहीं करेंगे। रोते रोते आंगन में सो जाती है। जब नींद आ जाती है तब तक रुक्मिणी के द्वार पर एक ब्राह्मण जी का आना हुआ। ब्राह्मण जी ने द्वार पर आवाज लगाई है, बेटी रुक्मिणी दरवाजा खोलो। रुक्मिणी भाग करके आई, दरवाजा खोला है। जब दरवाजा खोला तो ब्राह्मण जी ने रुक्मिणी की आंखों में आंसू देखे। रुक्मिणी से ब्राह्मण जी कहने लगे हैं, बेटी अरे इतनी खुशी का अवसर है कि तुम्हारे घर तुम्हारी बारात आ रही है। अरे जिस दिन बेटी का जिस दिन बेटी के घर बारात आती है तो उस दिन बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और ये नन्हे से बच्चे ने जो हमें नोटों के हार और पगड़ी से सम्मान किया, भास्कर सन ऑफ नीरू जो ग्राम ढकपुरा से आई हुई है, आज मेरे भक्तों वो रुक्मिणी रो करके ब्राह्मण जी से कहने लगी है, ब्राह्मण जी
क्या बताएं हम तुम्हें कि हमारा भैया हमारी शादी अपने साले के साथ कर रहा है और अगर हमारी शादी ससुराल के साथ हुई तो मर जाऊंगी मैं, पर उस ससुराल के साथ शादी नहीं करूंगी। उसी समय कहने लगे हैं ब्राह्मण जी, क्यों बेटी रुक्मणी, हमें ये बताओ कि तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। तो ब्राह्मण जी से रो करके रुक्मणी कहने लगी है, ब्राह्मण जी बोलो मैं मर जाऊंगी। लली हाँ मरो मत। अच्छा एक बात बताओ, बोलो तुम्हारे दिल का देवता कोई और है क्या? अब पूछ रहे हो तो बताए दो तो देव। तो हम बता रहे हैं, बोलो हम अपनी शादी भगवान कन्हैया से करना चाहते हैं। का कन्हैया पागल हो गई, पागल कन्हैया। हाँ तूने कहा देख लो कन्हैया, सपने में देखे, सपने में चुप रहो, सपने को अपने होते हैं। ब्राह्मण जी हाँ मैं शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ करूंगी, बस मर जाऊंगी। लली हाँ मैं लली मैं चुरैया में गल गल रो ना चुप मरा भरा मत। ब्राह्मण जी हाँ एक बात मानोगे हमारी? बोलो और ये भूपेंद्र यादव जो नंगला सदा सुख से जो हमें नोटों की हार शौर्य एक पगड़ी से और एक शॉल से सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। आज ब्राह्मण जी के लिए रुक्मणी ने रोते हुए खत लिखा है, वह खत लेकर के ब्राह्मण जी चल दिए। एक सुंदर से बाग में पहुंचे हैं ब्राह्मण जी, उस बाग में बैठ जाते हैं सुंदर छाया को देख करके। और बोले हैं ब्राह्मण जी, अब दुपहरी बिलुमाल दुपहरी बिलुमाल जय बगिया में दुपहरी Thank you.
क्या के पहुंच पाएंगे हम उस द्वारिका नगरी में। अरे चलती चलती